हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैं दूध उबलने के लिए रख रही हूँ, मतलब कि दूध से मावा बनाने वाली हूँ मैं। और आज मैं डिटेल में मावे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, भागते भागते नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बार जब भी मैंने लड्डू पेड़े या कुछ भी मावा निकाल के बनाया तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि रश्मि हमारे साथ मावे की रेसिपी शेयर करना डिटेल में। तो डिटेल में ही शेयर कर रही हूँ। और इस बार एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं निकाल रही हूँ, इस बार मैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में निकाल रही हूँ। वजह ये थी कि दूध बहुत ही कम था, 1 किलो था, तो मैंने कहा फिर बड़ी वाली कढ़ाई क्यों चढ़ानी, छोटी वाली कढ़ाई में निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस कढ़ाई में मावा निकालने का। एक तो ये कि उसमें बहुत लगता है, आप जब उसको साफ़ करोगे एलुमिनियम वाली को तो आपके हाथ दर्द करेंगे, और ये झट से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं मावा निकालने के लिए दूध चढ़ाया, तो दूध में जो है उबाल आने वाला है। एक आ चुका है लेकिन गैस सिम कर दी थी, तो फिर दोबारा से आने वाला है। मैं गैस तेज कर रही हूँ, कभी कम कर रही हूँ, तो खड़ी हुई हूँ गैस के पास, तो खेल रही थी थोड़ा सा। आज मैंने सोचा कि मैं मावे को एकदम से छोड़ूंगी नहीं। मतलब मैं क्या करती हूँ कई बार कि दूध को गैस पे चढ़ा देती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, बीच में 2-4 बार आके चला देती हूँ और मावा निकल जाता है। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मावा बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन में शाम के टाइम मैंने रखा था जब आलू के पराठे बनाए थे, ये उसी दिन का वीडियो है। उसमें इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि फिर वो अलग अलग क्लिप हो जाती, आज मैंने एक साथ ऐड कर दिया है सारा। तो यहाँ पे देखिए, मावा मैंने गैस पे मतलब दूध गैस पे चढ़ाया हुआ है, और रसोई के दूसरे काम करते करते यहाँ पर मैं अपना दूध भी चला रही हूँ बीच बीच में। और मैंने ये नोटिस किया कि जो मावा इस तरह से निकालते हैं, मतलब बीच बीच में चलाते रहते हैं हर 4-5 मिनट बाद, तो वो मावा बहुत अच्छा निकलता है, बिल्कुल मार्केट जैसा होता है, बिल्कुल चिट्टा होता है। हाँ, अगर आपको येल्लो वाला मावा चाहिए फिर आप उसको छोड़ दीजिए दूध को सिम पे करके, और बाकी के काम करते रहिए और 10-15 मिनट बाद आके चला दीजिए, तो आपका जो है कलर मावे का बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा ऑरेंज सा होता है ना, थोड़ा अच्छा वाला होता है वो, जैसे पेड़े मिलते हैं मार्केट में ब्राउन ब्राउन सा वैसा। लेकिन अगर सफ़ेद कलर का आपको पसंद है तो आप इसको चलाते रहिए बार बार, बहुत ही बढ़िया दानेदार एकदम बहुत ही अच्छा मतलब मावा निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मेरे दूसरे काम भी हो रहे हैं और बीच बीच में मैं इसको चला भी रही हूँ, साइडों से हटा रही हूँ, क्योंकि साइडों में क्या होता है कि मलाई जमती जाती है तो जलाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं चलाओगे तो नीचे भी तली में कई बार लगने लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने गैस जो है इसकी थोड़ी सी कम की हुई है, मतलब गैस ना तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर है, ना बिल्कुल लो पर है, ना मीडियम पर है, लो और मीडियम के बीच में जो होता है ना, मैंने गैस उस पे की हुई है और बस इसको मैं कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे दूध हमारा जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, और जब लास्ट में दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, मावा नहीं बन रहा होता है मावे का, और थोड़ा गाढ़ेपन के दूध का रबड़ी जैसा हो जाता है, तो छींटे बहुत आती हैं, उस टाइम आप समझ जाइए कि आपको दूध को छोड़ना नहीं है। अब अगर उस टाइम आपने छोड़ दिया, आपकी नज़र इधर उधर हो गई, दूसरे काम में लग गए, तो वो मावा जो है आपका जल जाएगा। तो थोड़ा सा दूध मेरा निकल गया था क्योंकि मैं हट गई थी, दूसरे काम में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम बढ़िया परफेक्ट मावा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद एकदम लग रहा है ना, बढ़िया मावा। तो यहाँ पे मावा हो गया तैयार, और मैंने टुकड़े में मावा निकाला था 1 किलो का, आज निकाल रही हूँ 1 किलो का, कल निकालूंगी। तो इस तरीके से, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो यार किश्तों में निकाल लेते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गैस कर दी है मैंने बंद, मावा हो चुका है हमारा बनकर तैयार। अब मैं कढ़ाई को जो है नीचे रख दूंगी, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगा मावा तो मैं इसको कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी जब मैंने ये मावा निकाला था तब जन्माष्टमी में 2 दिन थे। तो मावा कैसा निकला है बताइएगा ज़रूर। अगर आपको नहीं आता है तो ट्राई करिएगा इस तरीके से, मावा बहुत ही इजी है। एक उबाल लगाइए, एक उबाल आने के बाद गैस कम कर दीजिए, उसके बाद उसको खदकने दीजिए, बीच बीच में आप चलाते रहिए, छोड़िएगा मत, बीच बीच में चलाइएगा ज़रूर। इसीलिए मैं कहूँगी कि शाम के टाइम करिएगा, जब आप किचन में सब्जी बना रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे खाने की, तो पता भी नहीं चलेगा मावा कब निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगली सुबह है और हम लोगों को निकलना है, तो फिर नाश्ते में यहाँ पे जो रात के आलू बचे हुए थे, मतलब पराठे बनाए थे आलू के, तो उसकी थोड़ी सी पिट्ठी बच गई थी, तो इन लोगों को मैंने पराठा दिया। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं पराठा नहीं खाऊंगी, मैं कुछ अलग खाऊंगी। तो बस एकदम से मुझे ब्रेड नज़र आई, तो मैंने कहा मैं अपने लिए बनाऊंगी सैंडविच, और मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, चाहे वो सब्जी का हो चाहे वो आलू की पिट्ठी बच जाए। तो मैंने इसमें खीरा वगैरह और चीज़ वगैरह लगाकर अपने लिए सैंडविच तैयार कर लिया है, थोड़ी सी हरी चटनी लगाकर। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं नाश्ता वगैरह कर, अभी बस अपने गाँव में ही है थोड़ा सा,
गांव का नाम पूछते हो आप लोग तो, लेकिन ऐसे बताते नहीं हैं, थोड़ा सा रहता तो है ही ना रिस्क सा। आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग बताते हैं मुझे कि रश्मि ये चीज़ मत बताया करो, रश्मि ये मत बताया करो। अच्छा लगता है, आप लोग अपना समझते हो तभी हमें ये चीज़ बोलते हो, और मुझे आप बोलते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़कर, जब आप लोग मुझे हक से डांटते हो, हक से बोलते हो ये मत करो वो मत करो। तो देखिए बारिश लगी हुई है बढ़िया एकदम, और मौसम अच्छा हो रखा है, हम निकल गए हैं काम जरूरी। गुड मॉर्निंग, 10:30 का टाइम हुआ और हम लोग निकल गए हैं, जैसा कि सोमवार है और सोमवार में हमें जाना था तो हम निकल गए हैं, अभी निकले हैं 5 मिनट पहले, और देखते हैं आज काम बन पाता है कि नहीं बन पाता है। उस दिन तो कुछ नहीं हो पाया था, सिर्फ घूमी घूमी हो पाई थी, बस आज घूमी घूमी ना हो। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, मेरे ख्याल से रात से बारिश है क्योंकि पंखा भी बंद कर दिया था सुबह के टाइम ना 4-5 बजे, तो जरूरत नहीं पड़ी थी पंखे वगैरह की, एकदम बढ़िया ठंडा वाला मौसम हो गया है। लेकिन हाँ सर में दर्द हो गया है क्योंकि गाड़ी का नाम लेते ही कि जाना है गाड़ी में, चाहे वो विकास नगर ही क्यों ना जाना हो, दर्द हो ही जाता है। सुनसान सड़कें, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही वैसे अब ना, शहर में तो है, शहरों में है वैसे नहीं रही। तो रास्ते में देखिए यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था, शायद बारिश की वजह से गिरा होगा, और वैसे भी जब यहाँ पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड ही क्या, जैसे कहीं भी ज़्यादा बारिश आ रही है, हवाएं चल रही हैं तो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, पर मुझे डर लगता है देखकर। मैंने कहा यार जब ये गिरा होगा तो कोई आ तो नहीं रहा होगा, तो थोड़ी सी मैं इस तरह की चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कितना पानी है सामने, कितना पानी और कितना बहाव है पानी का, जो कि शनिवार में नहीं था, हम लोग शनिवार में आए थे इतना यहाँ पे था ही नहीं, और बहाव तो बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत पानी था लेकिन इतना नहीं था। और जैसे ही बरसात शुरू होती है ना तो इस तरीके की यहाँ पे बहुत पानी हो जाता है, और भी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर जब हम आएंगे वापस में तब यहाँ पे डबल हो चुका होगा। तो जहाँ पे मुझे जाना है मैं पहुँच चुकी हूँ, सामने आप लोग देख रहे होंगे साइबर क्राइम ऑफिस है, वहाँ जाना है मुझे। तो बस चलते हैं, वहाँ से लौटने के बाद घर जाकर आराम से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, सारी नहीं तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, देखते हैं। अब आप ना छाता भी नहीं लेके आए, अगर अचानक से बारिश शुरू हो गई ना फिर हम वापस कैसे निकलेंगे। विपिन एक मिनट यार, गंदगी हो रही है, मिट्टी मिट्टी है, आम का पेड़ है यहाँ पे शायद, आम ही आम पड़े हुए हैं। यार तो हम वापस निकल लिए हैं घर के लिए, और आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह पानी, किच पिच बारिश पसंद है, लेकिन घर पर रहो, बैठकर आराम से बारिश को देखो, एंजॉय करो, चाय पकोड़े खाओ, लेकिन इसलिए बारिश नहीं पसंद, किच पिच होती है। और ये देखिए ये वही पानी है जो नहर मैंने आपको जाते हुए दिखाई थी देहरादून की, यहाँ पर कितना पानी है, डबल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर कितना हो गया है अब पानी। हाँ जब मैं दूसरी वाली उस साइड थी, अब इस साइड से दिखा रही हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन वही है कि सड़कों पर जल भराव, ये वो पानी किच पिच, तो थोड़ा सा ही गंदा लगता है। मैं घर आ चुकी हूँ, काफी देर हो गई है मुझे घर आए हुए, क्योंकि अभी ना 3:15 बज रहे हैं और मैंने गेट बंद कर लिया है। थोड़ा सा मैं बात करूंगी आप लोगों से कुछ ऐसी जो कि मैं नहीं चाहती कि बच्चे सुने उस बात को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टाइटल की, क्योंकि मैं गाड़ी में भी कॉमेंट्स पढ़ ही रही थी, हाँ थोड़ा सा टाइटल था अजीब सा, फिर मैंने टाइटल चेंज किया, तुरंत ही चेंज कर दिया था घंटा भर बाद ही, तो मुझे नहीं लगता कि अब उस टाइटल में कोई खराबी थी। तो एक चीज़ तो ये हो गई, मुझे नहीं लगता अचानक से मुझे देहरादून भागना पड़ा। मैंने आप लोगों को एक दो दिन पहले भी बोला कि मैं देहरादून जाऊंगी, मैंने नहीं बोला, एकदम से प्लान बना, एकदम से मैं देहरादून गई, और देहरादून गई मेरा काम नहीं बना, मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बोला। तो अब ये बताइए, या तो आप सिर्फ उस चीज़ को ढूंढने के चक्कर में भगाते रहे वीडियो को और आपने नहीं देखा, वो चीज़ निकल गई, ठीक है ये चीज़ लग जाएगी, लेकिन आप जानबूझकर एक चीज़ कर रहे हो। अब अगर ये बात होती है कि आप कमेंट को इस कमेंट मतलब किसी भी कमेंट को लेकर आप बात कर रहे हो वीडियो में, ये गलत है। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों को आप लोग अपनी बात लिखकर जाते हो कमेंट में, तो मेरे पास यही जरिया है, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब मैं एक एक को सेम चीज़ रिपीट करूंगी तो बड़ा अजीब लगेगा,
तो मैं एक चीज बता दूं कि जैसा टाइटल था वैसा वीडियो में था भी, क्योंकि मुझे अचानक से वे देहरादून भागना पड़ा। अब आज का पता था देहरादून जाने का, मंडे का आप लोगों को भी मैंने बता दिया था। अब इसमें तो मैं अचानक से नहीं गई हूँ, इसमें पता था हमें मंडे में जाना है। हाँ, अब आप बात आती है कि मैं देहरादून क्यों गई, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने एक शख्स पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन हमने केस किया हुआ है किसी पर। अब केस कर तो दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बंदा है कौन या बंदी है कौन। केस हो चुका है, सारी चीजें हो रही हैं, उसमें ही जो है शनिवार को मुझे बुलाया गया था, लेकिन शनिवार का टाइम था 2 बजे का, क्योंकि सेकंड सैटरडे था, हम चले गए थे काफी देर पहले। इस वजह से आज मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया साइबर क्राइम ऑफिस जहां मैं गई हूँ। अंदर का मैंने नहीं किया, क्योंकि देखिए अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी और ना ही इतनी उस टाइम सूझबूझ होती है कि मैं फोन निकालूं और रिकॉर्डिंग करूं, और मेरा फिर वहां पे मूड बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि हाथ खड़े कर देना, आप कहीं उम्मीद लगा कर जाओ और सामने से बंदा हाथ खड़े कर दे कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो फिर थोड़ा सा मन खराब हो गया था। बैटरी लो हो गई है मेरे फोन की, बिल्कुल 10-15% बची हुई है। तो अभी मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी बैठी बैठी आधे घंटे से, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था। मैं आपको इतना बोलूंगी कि व्यूज 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 इतना मैटर नहीं करता है। अरे भैया, अगर मेरे लिए व्यूज इतना मैटर करता तो मैं सिर्फ अपने व्यूज पे ध्यान दे रही होती। मैं बीच बीच में जो ये वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं उस पे फिर वो वैसा ना करती। जिसके लिए वीडियो सॉरी जिसके लिए व्यूज मैटर करता है, वो डेली आपको मिलेगा यूट्यूब पे, डेली उसका वीडियो अपलोड होगा। ये भी नहीं कहूंगी नहीं व्यूज के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, व्यूज व्यूज का ही है सब कुछ, जो सारा खेल है वो व्यूज का ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज के लिए पागल हुए जा रही हूँ, व्यूज के लिए कर रही हूँ। हाँ, मैं खुलकर सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ खुलकर, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आप नहीं बता पाते हो। जिन लोगों के मैं पर्सनल टच में हूँ, जैसे कि 2-3 लोगों के सूट जाने थे आज देहरादून, तो उनसे मैं मिली हूँ, मतलब एक से ही मिली हूँ मैं, नीमा शाह जी से, उनको पता है, उनसे मिली हूँ, उनको उन्होंने देखा भी है कि मेरा मूड कितना खराब था। मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई उनसे, क्योंकि तभी मैं वहां से निकलते हुए मैंने सूट पकड़ाए थे उनको, क्योंकि मैं वहां जा रही थी। तो देखिए क्या देहरादून का किसी का कोरियर चार्ज लगवाना, अगर हम उस जगह के आसपास ही जा रहे हैं या हैं तो खुद ही दे दो। तो भैया देखिए, थोड़ी सी इस टाइम लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हालांकि आज वो प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। मैंने बोला था ना सोशल मीडिया, मैंने एक लाइन बोली है अपना जो आज वीडियो गया है, मतलब ये वीडियो एक दिन लेट जाएगा, ये परसों जाएगा, क्योंकि कल वाला जाएगा कल। तो सोशल मीडिया वाला जैसे मैंने बोला है कि भाई बेकार है ये है, वो मुझे अब लगने लगा है। पहले मुझे नहीं लगता था, जब सब बोलते थे तब मुझे नहीं लगता था, अब मुझे लगता है। आज मैं क्लियर ये चीज कर दे रही हूँ आप लोगों को, इसीलिए आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है कि अब आप लोगों को मेरी वीडियोज में मैं विपिन तन्मय दिखेगा, और हाँ हम कहीं जाएंगे थोड़ा बहुत वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसीलिए जो है अब मेरे वीडियोस थोड़े से कम हो जाएंगे आने, क्योंकि मेरे को भी पता है आप रोजाना एक ही घर एक ही चेहरा एक ही किचन वही खाना देखकर बोर हो जाएंगे। तो जब कुछ स्पेशल हुआ करेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी, जैसे जन्माष्टमी आ रही है, मंदिर तैयार करेंगे, कान्हा जी को तैयार करेंगे, कान्हा जी ला रही हूं मैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरीके से सेलिब्रेट करूंगी जन्माष्टमी वो शेयर करूंगी, उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होती है उनकी वो शेयर करूंगी। तो कुछ जो भी कुछ अलग सा हुआ करेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी, लेकिन हाँ जैसे फिर वही नॉर्मल लाइफ रोजाना का वही सब, तो फिर वो मैं थोड़ा कम शेयर किया करूंगी आप लोगों के साथ। आप बोल सकते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में मेरा वीडियो अब से 20 दिन या फिर 15 दिन आएगा, तो ऐसे होगा। दूसरी चीज, आप मेरी वीडियो में आपको कोई भी मेरा फैमिली मेंबर देखने को नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि मेरे साथ कोई चीज हो, मेरी विपिन के साथ कोई चीज हो, हम उस चीज को हजम कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमें इन सारी चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बंदा जो हमारे वीडियो में मैं जिसको ले रही हूँ, या चलो को भी कोई आ गया, उसको अगर इस चीज से परेशानी होती है तो वो ना तो वो बर्दाश्त कर पाएगा और उससे ज्यादा ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अब इसमें आप लोग बोलेंगे मैंने बातों को घुमा दिया, कुछ लोग बोलेंगे कि घुमा दिया क्लियर नहीं बताया, तो देखिए समझने वाले इसमें से बहुत कुछ समझ जाएंगे जो समझदार होंगे। हाँ, जो लोग
ना समझकर कुछ समझना नहीं चाहते हैं, जो बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला बात सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे मेरी बात थोड़ी सी आपको, क्योंकि मैं सच कड़वा होता है, सटीक बोली कड़वी होती है, तो आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है उन्हीं लोगों को, बाकी समझदार लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। तो अभी ये चीज हुई, मैंने आप लोगों को बता दी है, केस हम लोगों ने किया हुआ है किसी पर, तो वो जब केस होगा, क्योंकि जो इस काम में जो साइबर क्राइम वगैरह जो आप समझ गए होंगे वो सोशल मीडिया के ऊपर ही केस होता है, अगर वहां कुछ चीज होती है हमारे साथ तो उस पे ही केस किया हुआ है हमने, तो उन चीजों का थोड़ा लेट पता चलता है, मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन पता जरूर चलता है। उन्होंने बोला है कि पता जरूर चल जाएगा, चाहे वो कहीं भी चूहे के भट में बढ़कर बैठ जाए बंदा। उन्होंने तो ये भी बोला, अगर आपको किसी पे भी शक है, जो भी आपको लगता है कि भाई ये काम उस बंदे का है या इस बंदे का है, तो आप बोल सकते हो, हम आपके शक के बिना पर उस बंदे पूछताछ करेंगे, प्यार से करेंगे, प्यार से सच निकल गया ठीक है, नहीं तो हम उससे जो है बात उगलवाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि सख्ताई से बात उगलवाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने किसी का नाम अभी तक तो नहीं लिया है, मैंने कहा अभी नहीं लेते हैं, हाँ अगली बार मुझे किसी ने परेशान किया या विपिन को किसी तरीके की परेशानी होती है, तो मैं शक के बिना पर 2-3 लोग हैं मेरी नजर में जिनके मैं नाम लेने वाली हूँ। अब सीधी सी बात है, पुलिस भी बोल रही है या तो कोई यूट्यूबर हो सकता है जो आप से इस तरीके से करके ये चीज कर दे, कि वो 1% पे उन्होंने बोला है, बहुत लंबी हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने बोला है, या फिर कोई आपके घर का बंदा हो सकता है, खुद खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये चीज बोली है कि या तो आपका कोई जानकार बंदा है या फिर कोई वो आप ही के फील्ड का है, मतलब जिस फील्ड में आप काम करते हो उसी फील्ड में वो काम करता है, तो 2 लोगों पर आपको बता दीजिए इन दोनों में से किस पर आपको शक है, यहां कौन हो सकता है और यहां कौन हो सकता है। उन्होंने तो बोला आप अभी बताओ, हम कल ही सारी चीजें करते हैं, कल ही देखते हैं। तो मैंने कहा अभी तो आप रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई परेशान करता है या इन्हें कुछ इस तरह की चीजें होती है हमारे साथ जो हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो हम जरूर बताएंगे। अब भैया इस बात पर किसी को यकीन करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो सबूत मैं देने वाली नहीं हूं, क्योंकि सबूत मैं क्यों दूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे देने की जरूरत है। जो आपसे अटैच है, दिल से अटैच है, वो इन सारी बातों को मान लेगा, जो अटैच नहीं है उसे आप सबूत भी दिखा दोगे वो तब भी कहेगा ये क्या वो क्या, और सबूत लाके भी क्या दिखाऊं मैं आपको, मुझे नहीं लगता कोई सबूत दिखा पाऊंगी मैं आपको। तो ये सारी चीजें थी, मैंने बहुत हद तक आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, आई होप आप लोग समझोगे, नहीं समझोगे तो भी कोई बात नहीं, देखिए आप अपने घर हैं, मैं अपने घर हूँ, और बस आप आगे से मेरा कोई भी फैमिली मेंबर आपको मेरी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ मैं अपनी मम्मी को दिखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने मायके वालों को दिखा दूंगी, लेकिन ससुराल वालों को मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि देखो भैया मायके वालों का तो आप फिर भी ले सकते हो कि हाँ हमारा हक होता है एक तरीके से, पूरा हक होता है उनपे कि अगर हमारी मम्मी के लिए कुछ बात होती है तो हम, माँ बेटे का रिश्ता तो खैर अलग ही होता है, माँ और बच्चे का, टीना है मेरी बड़ी भाभी है, क्योंकि देखिए ससुराल का थोड़ा सा होता ही है, मायके वालों पे थोड़ा हक होता ही है, हम उन्हें कुछ भी कह देंगे डांट डपट के, हाँ तो ये वो, लेकिन ससुराल वालों को हम नहीं कर सकते, ससुराल वालों का थोड़ा सा होता ही है। अब इस बात को आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, मुझे नहीं पता आप कैसे लोगे, वो कमेंट्स आएंगे आपके तब पता चलेगा, और मैं बिल्कुल भी कमेंट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ। हाँ अगर आप एक ही बात के ऊपर कमेंट्स बॉक्स भरा जाता है, भरता जाता है कि यही चीज रिपीट हो रही है, तो फिर बोलना पड़ जाता है, क्योंकि फिर हद से ऊपर हो जाती है। तो अभी जो है कल फिर मार्केट जाना है, कल आज क्योंकि सोमवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार में इसलिए जाना है क्योंकि जन्माष्टमी, समझ में नहीं आ रहा जन्माष्टमी कब है, मंगलवार की है कि बुधवार की है, अगर मंगलवार की है तब भी जाना पड़ेगा, बुधवार की है तब भी जाना पड़ेगा, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्या खरीदेंगे पता नहीं। और अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करूंगी, थोड़ा सा मूड खराब है, शाम तक इस वीडियो को खींचने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। बाय बाय, अगर मैंने किसी को कुछ गलत कहा हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी की वजह, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, तो माफ कीजिएगा, बाय बाय, यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं।